हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हम नोकिया G42 5G के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्राइस की, बात करेंगे इसके कल कितने कलर में आ रहा है और कितने इसमें मेमोरी वेरिएंट है। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं नोकिया G42 5G का रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले इसमें 6.56 का डिस्प्ले दिया गया है। रेजोल्यूशन इसमें HD 720x1612 मिलेगा। वहीं रिफ्रेश रेट इसमें आपको 90 हर्ट्ज का मिलेगा। ब्राइटनेस में इसमें 450x400 निट्स मिलेगा और एस्पेक्ट रेशियो 20:9 मिलेगा और गोरिल्ला ग्लास 3 मिलेगा। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं CPU की। CPU में इसमें स्नैपड्रैगन का 480 CPU मिलेगा जो कि एक 5G इनेबल्ड फ़ोन है। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉयड 13 है और आप इस OS को अपग्रेड टू OS अपग्रेड्स कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी भी आपको वारंटी आपको इसकी 3 ईयर तक मिलेगी। फीचर ऑडियो की भी बात करें तो ओजो प्लेबैक ओजो 3 ऑडियो मिलेगा। वहीं रिकॉर्ड में FM रेडियो भी मिलेगा लेकिन आपको इसमें हेडसेट रिक्वायर्ड होगा। माइक्रोफोन आपको इसमें सिंगल मिलेगा और स्पीकर भी इसको सिंगल साइड ही मिलेगा। इसकी बात देखी जाए तो इसकी हाइट में 165 mm दी गई है। वहीं वेट इसका 193.8 ग्राम का दिया गया है। विड्थ इसकी 75.8 mm की दी गई है। वहीं डेप्थ इसकी 8.55 की दी गई है। बैटरी एंड चार्जिंग, बैटरी इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है और जो कि आप इसको ये रिप्लेसेबल बैटरी है। नॉर्मली आजकल हर फोन को आप बैटरी रिप्लेस नहीं कर पाते थे लेकिन नोकिया में अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि आप इसकी बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें जो चार्जर मिलेगा आपको इसमें 20 वॉट का मिलेगा। आप देखते हैं मेमोरी में इसमें दो वेरियंट है, 4GB रैम के साथ 128GB, वहीं 6GB के साथ 128GB। और आप इसको वर्चुअल मेमोरी के साथ इसको ऐड कर सकते हैं, 11GB तक आप इसको ले जा सकते हैं। वहीं इसमें प्राइस देखा जाए तो 4GB और 128GB आपको नियरली 16,000 का मिलेगा। वहीं आपको ये 6GB 128GB आपको 18,000 के आसपास मिलेगा। कैमरा सेगमेंट की बात करें तो कैमरा में आपको इसमें 3 रियर कैमरा मिलेगा, 50 MP, वहीं 2 MP फॉर डेप्थ के लिए मिलेगा और 2 MP आप इसको मैक्रो के लिए मिलेगा। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी में कैमरा काफ़ी कम है, 8 MP का इसमें सेल्फ